मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत कर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने यहां हनुमान लोक और कांग्रेस के सुंदर कांड पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने का प्रयास करती है, ये आरोप भी विश्वास सारंग ने लगाए। तमाम मुद्दों पर विश्वास सारंग पत्रकारों के सवालों के जवाब देते रहे। सुनिए इस पूरी बातचीत को। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले ये हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि हर एक व्यक्ति राम की शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, सनातन धर्म का पालन करे, हिंदू धर्म का पालन करे, ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है, बाकी समय तो हिंदुओं का विरोध करती है। यहां से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर और कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस ने हिंदुओं का विरोध किया था, यही हनुमान जी महाराज का विरोध किया था। आज कांग्रेस हनुमान भक्त बन रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एरोगेंस, ये घमंड कि ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी गलतफहमी में कोई व्यक्ति ना रहे। कांग्रेसी इस चुनाव में हम कैसे हिंदू प्रदर्शित हो जाएं, हम अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू हो या ना हो, हम हिंदू धर्म का पालन करते हो या ना हो करते हो, पर हम जनता के बीच हिंदू हो जाएं। इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की आरती उतारना नहीं आती तो उल्टी आरती उतार देती हैं, कमलनाथ जी को मालूम नहीं कि प्रक्रिया क्या है पूजन करने की, हनुमान जी का केक आता है तो वो उस पर छुरी चला देते हैं, राम मंदिर का विरोध करना, राम सेतु को तोड़ने का काम करना, ये सब काम करने वाली कांग्रेस कितने भी पाठ कर ले, कितने भी अनुष्ठान कर ले, उनका कुछ होने वाला नहीं है। पर ये बात सही है, यदि उनको सद्बुद्धि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस ये साबित क्यों कर रही है कमलनाथ जी गए क्या अभी किसी गैस एजेंसी पर है? उनको ये भी नहीं मालूम होगा गैस आती कहां से। कल ये बात क्लियर हो गई, शिवराज जी ने कह दिया जिन्होंने नहीं लिया है वो लेंगे तो उनको 450 का मिलेगा, और यदि इस महीने में किसी ने ले लिया है तो उसको वो डिफरेंस उसके अकाउंट में मिल जाएगा। पूरी बात तो सुने और कमलनाथ जी बता दें कि वो किस गैस एजेंसी में गए। केवल जनता को गुमराह करना और मीडिया को गुमराह करना, दिन भर में एसी कमरे के बीच में बैठकर एक बात कर देना और उसके बाद सेंसेशनल न्यूज को प्रकाशित करवा देना, ये कमलनाथ जी की अदा भी है और आदत भी है। होली का टीका वाला फोटो आता है ना कभी यार। अरे यार, कैमरा बंद।